बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पवन साय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहेंगे। आगामी कार्य योजना और पहले दी गई जिम्मेदारी पर चर्चा होगी और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हेमंत, बीजेपी की भी एक विशेष बैठक बुलाई गई है 2023 पर फोकस करने को लेकर। क्या रणनीति बन सकती है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनावी माहौल में भुनाने की कोशिश हो सकती है, जिस पर ये इस बैठक में मंथन होगा? हाँ, देखिए उसरा बदलाव के बयार के बीच आज बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। दो अलग अलग बैठकें यहाँ पर होंगी। सुबह 11 बजे से जिला अध्यक्ष और जो विधानसभा प्रभारी हैं उनकी बैठक जो केंद्रीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल वो लेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वहाँ पर जो संगठन के नेता हैं पवन साय वो मौजूद रहेंगे। पहले जिलाध्यक्षों को यहाँ पर दिशा निर्देश दिया जाएगा, उनसे राय शुमारी की जाएगी। 2023 को लेकर पूरी तरीके से आक्रामक रवैया बीजेपी अपनाई हुई है और कल ही 13 जिलों के जिला अध्यक्षों को भी बदला गया है। और आज जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी की बैठक के बाद जो अलग अलग समितियां बीजेपी ने बनाई हैं अलग अलग कार्यों को लेकर, उन समितियों की बैठक यहाँ पर होगी। और कुछ दिन पहले बुसरा गंगरेल में एक बड़ी बैठक बीजेपी की हुई थी, तो उस बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसके क्रियान्वयन किस तरीके से हो, इसलिए बैठकें आयोजित की जा रही है। और इसमें नए जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। कल ही 13 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, उनको आज की बैठक में बुलाया गया है और तमाम दिशा निर्देश वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दिया जाएगा। कुल मिलाकर 2023 की तैयारी बीजेपी पूरी जोर शोर से कर रही है। जी, और इस बैठक की अध्यक्षता के साथ साथ कौन कौन ऐसे चेहरे होंगे जो इसमें शामिल हो सकते हैं? विशेष तौर पर मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि बीजेपी अक्सर चुनाव, चाहे केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, चुनाव एक चेहरे पर ही लड़ती आई है। तो चेहरे को लेकर के कोई अभी तक तैयारी नजर आ रही है, स्पष्ट हो पा रहा है? देखिए, चेहरे को लेकर बीजेपी में कसमकस जारी है क्योंकि कोई भी बड़ा नेता या हो या छोटा नेता, कोई भी चेहरे को लेकर क्लियर नहीं है। जब डी पुरंदेश्वरी यहाँ की प्रभारी थी तब उनसे भी पूछा गया था मीडियाओं के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ भी जब प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की नियुक्ति हुई तो उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि सामूहिक नेतृत्व में यहाँ लड़ा जाएगा। और बीजेपी यही रवैया अपनाएगी इस बार और कोई चेहरा न रखकर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अगर 2023 के चुनाव में बहुमत उनको मिलता है तो फिर विधायक दल तय करेगा, आलाकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन उनको इस बार प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। हाल ही में उनका एक बयान आया है जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। राजनांदगांव में उन्होंने बयान दिया है कि वो उनको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है आलाकमान तय करेगा। तो निश्चित तौर पर कोई चेहरा बीजेपी का यहाँ पर नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन 2023 की तैयारी पूरी तरीके से बीजेपी कर रही है। गंगरेल, धमतरी के गंगरेल में बैठक हुई थी, उस बैठक में जो निर्णय हुआ था उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो